पार्लियामेंट में इस वक्त अकाली दल के सांसद किसानों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कुछ होता नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि ये सरकार लोगों की सरकार अब रही नहीं, ये अपनी ही सरकार अपने धुन में चले जा रही है और अड़ी हुई है, और वो अड़ी भी हुई है अपने लोगों के खिलाफ। जिनके लिए कानून लेके आए हैं वो अपने मांगे मंगवाने के लिए कि ये हमें कानून नहीं चाहिए। 550 किसानों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं लेकिन सरकार कहती कोई मरा ही नहीं है। वो 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। भाई, आप देश के बॉर्डर के लोगों के बारे में क्या जानते होंगे जब दिल्ली के बॉर्डर के किसानों का ही हाल आपको नहीं पता है। अब वो पार्लियामेंट के सामने जंतर मंतर में आ गए हैं लेकिन आप भी 8 महीने 550 किसान मरने के बावजूद सरकार सुनने को ही नहीं तैयार है। इससे पता लगता है कि ये सरकार लोगों से कितनी टूट चुकी है। इन किसानों की वोटों से इलेक्ट होकर बड़ी गिनती में आके अब लोगों के ही खिलाफ हो चुकी है ये सरकार। और ये बहुत शर्म की बात है कि अन्नदाता के इनका मांगे तो क्या मानी, कभी इनको मवाली, कभी इनको उग्रवादी, कभी आतंकवादी, ऐसी ऐसी गालियां अन्नदाता को दे रहे हैं। जिस अन्नदाता को देश के लोग पूजते हैं, जिस अन्न को भगवान का रूप समझा जाता है, ये सरकार तो उनको गालियां निकालने तक पे आ गई है। लेकिन मैम, सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो क्या लगता है आपको कैसे हल निकलेगा अगर बातचीत ही नहीं होगी तो? नहीं, ये लाइन बोलने से पहले वो बोलते हैं कानून वापस नहीं होंगे, बात करना है तो कर ले। जी आप लेकिन और कंडीशंस डाल रहे हैं तो बात की गुंजाइश आप कहाँ छोड़ रहे हैं। सो ये सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है, ये बड़े पूंजीपतियों की मदद करना चाहते हैं और बेचारा गरीब किसान जो आगे जो कहते थे 2022 में आमदनी दुगनी करेंगे, 2022 में तो 4 महीने रह गए, दुगनी तो क्या करनी है। जो किसान बेचारा बैठ के इधर मर रहा है उसकी तक सुनने को नहीं तैयार है, ये सरकार की हकीकत है। लेकिन क्या होगा मैम, इतने लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा है, आगे क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, किसान का ये इसकी भविष्य की लड़ाई है। ये कानून जो जिंदा रहते हैं तो किसान मरता है, तो किसान ने जो मरना है तो इसकी लड़ाई, इन कानूनों को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते उसे मरना मंजूर है। चाहे 4 साल लगे, चाहे 8 साल लगे, जब तक ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे नहीं, ये कानून वापस करा के रहेगी किसान भाईचारा।